हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेस्ट शेडिंग पेंसिल्स के बारे में, जो कि है आर्टलाइन पेंसिल, जो कि काफी चीप प्राइस में इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। कुछ इस तरीके के पैकेट में हमें मिल जाती है 6 ग्रेड की पेंसिल, जिसमें है HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B पेंसिल। सबसे ज्यादा डार्क 10B होती है एंड सबसे ज्यादा लाइट HB होती है। तो बिगनर्स के लिए आई थिंक ये पेंसिल सबसे बेस्ट पेंसिल्स होती है, क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाती है एंड इसमें सबसे डार्क शेड भी है, जो कि है 10B, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है हमारी ड्राइंग में। तो मैं भी इन पेंसिल्स को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको कंप्लीट इसका रिव्यू भी दूंगा कि आप इन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ है इसकी। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं HP पेंसिल से पहले शेड कर रहा हूँ। अब मैं शेड कर रहा हूँ 2B पेंसिल पे एंड ये पेपर नॉर्मल रफ पेपर है। अब मैं शेड कर रहा हूँ 4B पेंसिल से। अब शेड कर रहा हूँ 6B पेंसिल से, तो आपको रफ टेक्सचर देखने को मिल रहा होगा। अब ये 8B पेंसिल एंड ये लास्ट 10B पेंसिल, जो कि सबसे ज़्यादा डार्क है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ब्रश का इन सबको ब्लेंड करने के लिए। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। तो ये HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। तो मैंने वरुण धवन की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है एंड इसे मैं अब शेड करूंगा आउटलाइन पेंसिल का ही यूज़ करके। वैसे ही मैं पूरा आउटलाइन पेंसिल का यूज़ करके ही बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल फर्स्ट लेयर को देने के लिए एंड अब मैं नॉर्मल मेकअप ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर लूँगा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल डार्क शेड्स को देने के लिए, जैसे कि आईज हो गई, आईब्रो हो गया एंड जो भी शेडिंग है उसे देने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड फिर उसे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड कर लिया है मैंने। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इतनी चीप पेंसिल का यूज़ करके भी कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग एंड शेडिंग हो पाई है एंड ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनी है। एंड इसकी फुल ड्राइंग की टाइम लैप्स वीडियो एंड ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से शेडिंग ब्लेंडिंग हो पाई है। वैसे तो ये पेंसिल सबसे ज़्यादा बेस्ट पेंसिल्स हैं, बस इन पेंसिल्स में एक ही डिसएडवांटेज है कि ये पेंसिल्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी चीप पेंसिल है। इस वजह से इसकी जो लीड है वो बार बार टूट जाती है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ स्टेडलर की पेंसिल को देखो तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है एंड उसकी लीड्स भी बहुत कम टूटती है या फिर टूटती भी नहीं है। तो हाँ, बस यही एक मुझे डिसएडवांटेज लगा इन पेंसिल्स का, बाकी तो इसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। बिगनर्स के लिए ये पेंसिल्स आई थिंक सबसे बेस्ट पेंसिल्स हैं। वैसे तो हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीप पेंसिल्स मिल जाती है, जैसे कि फेबर कैसल पेंसिल, फिर कोहिनूर की पेंसिल मिल जाती है, डॉम्स की पेंसिल मिल जाती है, बाकी सब में मुझे सबसे अच्छी यही लगती है एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप भी यही यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डार्कर शेड है 10B पेंसिल, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है आपकी ड्राइंग में। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने इन पेंसिल का यूज़ करके कितनी अच्छी और कितनी रियलिस्टिक ड्राइंग हम बना पाए हैं, आप भी इन पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ और थोड़ी बहुत स्टेडलर पेंसिल का यूज़ करता हूँ, स्टेडलर की 2B या HB। तो हाँ, यही कुछ था आज की वीडियो में मेरे को आपको पेंसिल के बारे में बताना था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको आर्ट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स एंड ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।